राम राम भाई सभी भाइयों को। तो भाई आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें देख सकते हो आप, ये महिंद्रा जीवो ट्रैक्टर है, महिंद्रा जीवो 305। और भाई ये देखो, ये इसमें पेड्डी थी और भाई इसकी कटिंग कर रहे हैं टून मैनेजर से। और भाइयों आपको मैं इसकी चौड़ाई बताऊं, जो फोर्ड की चौड़ाई है वो भाई 36 इंच पे बोल रखा है एक। और भाई इसमें तिबर सी करने की तैयारी की जा रही। देख सकते हो भाई आप ट्रैक्टर, और भाई ये रिटर्न मैनेजर देखो। देखो भाई आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें भाई ये 36 इंच पे गन्ना बो रखा, और भाई इसमें तिबर सी पेड्डी देखो आप कितनी अच्छी तरीके से होगी। और भाई ये तो पता नहीं आप ना आज तक यूट्यूब पे देखी होगी नहीं कि 36 इंच के गन्ने पे रेटून मैनेजर। और आप देख सको सब जडीन देखो बिल्कुल साफ सुथरे जडीन निकल गए सब। अब भाई इनमें से जितने भी गन्ने निकलेंगे बिल्कुल स्वस्थ गन्ने निकलेंगे, और इसमें भाई टीलरिंग बहुत ही अच्छी होगी। और भाई जैसे कि आप देख रहे हैं फूड रेटून मैनेजर चलाने से पहले अगर भाई इनमें ऐसे ही पेड्डी रखते तो भाई इसमें मुंडा ना फूकना पड़ता, तो भाई इसमें एक तो घास बहुत रहता, खरपतवार बहुत रहता, और ना इसकी जुताई की जा सकती थी फिर ऐसे ट्रैक्टर से। और अब भाई देखो ये पटड़ी बन गई कितनी बढ़िया, और इसमें बीच में मिट्टी इकट्ठी होगी, और अब भाई इसकी जुताई बहुत ही अच्छी तरीके से कर सका है, और भाई टीलरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी जो कि एक बहुत ही अच्छी पैदावार देगी भाई किसान भाइयों को। देख सकते हो भाई आप सारे कूड कितने अच्छी तरीके तैयार हो गए। और भाई इसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पोवा निकलना दिख जाएगा, पोवा दिख जाएगा। और भाइयों इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कि भाई ये गन्ने निकल गए कट के, तो भाई हमें इन पर एक स्प्रे कर देनी चाहिए फंगीसाइड की। और भाई कोई भी फंगीसाइड ले लो उसी की स्प्रे कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका फ़ायदा ये होगा जैसे कि हम हमारे हैं इन पे फंगीसाइड आ जाता है भाई ऊपर, फुई सी आ जा गन्नों पे, जिसकी वजह से ये जम नहीं पाते। तो भाई फिर फंगीसाइड की स्प्रे करने के बाद सारे गन्ने बहुत ही अच्छी तरीके से जमे हैं। और भाई जैसे कि 36 इंच पे गन्ना मैंने पहले बताया वीडियो में, और भाई इसमें रेटून मैनेजर फिरने के बाद बहुत ही अच्छी टीलरिंग होगी। और भाई जैसे कि अब बहुत किसान ट्रंच करने से हट भी रहे, तो भाई इसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि भाई देखो ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए पैदावार भी बहुत ही अच्छी आवे। देखो भाई ट्रैक्टर कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल लोड फ्री चल रहा, और भाई फ्यूल कंजप्शन भी बहुत कम होगा ट्रैक्टर का जब कोई लोड ही नहीं है। देखो भाई भाई आपको कैसी लगी है छोटी सी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ऐसी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे।